नहीं आपको अथी नहीं करने रहता है या आईटी मैनेजर रहता है वहाँ जाके लार्ज फाइल को जब तक नहीं कीजिएगा स्पेस छोड़ेगा नहीं। थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए केसर भाई, थोड़ा पीछे ही आइए, थोड़ा पीछे आइए केसर जी, सबका हो जाएगा ना, सबका हो जाएगा। दो घटनाओं को, दो मामले को लेकर आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। जैसे कि कल जानकारी है, कल जलेबिया मोड़ के पास एक मारपीट की घटना हुई थी जिसको लेकर काफ़ी तनाव उस क्षेत्र में हो गया था, जिसमें घटना की शुरुआत ऐसी होती है कि दो व्यक्तियों के बीच में एक मारपीट की घटना, विवाद होता है, उसके बाद जो आवेदक को दूसरे पक्ष के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी शामिल थे, वो उनके राधा ट्रेडर्स धर्मपुर के पास उनके प्रतिष्ठान पे आकर दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें कुछ अपराधी भी, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है जिसके बारे में आप लोगों को हम लोग बताएंगे, उन लोगों के द्वारा आकर मारपीट की घटना की गई थी। जब परिवार के लोग बीच बचाव करने गए तो उन लोग के साथ भी मारपीट की घटना की गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए, जिसके बाद तुरंत SDPO और अन्य थाना को बल को वहाँ भेजा गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। उसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बाद एक विशेष टीम का गठन करके कल रात में दिन भर छापेमारी की गई है और आज उन लोग को सुबह में मोहनपुर पुल के पास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है, कुल 6 व्यक्तियों को, जिसमें उनका नाम मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आबिद, अब्दुल समद, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद आसिफ। पकड़े गए अपराधियों का, जैसे आप लोग को भी संज्ञान में होगा, एक डॉक्टर के यहाँ डकैती की घटना हुई थी जो रात भर में उद्भेदन किया गया था, एक अपराधी उसमें भी शामिल है। इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं, सभी का आपराधिक इतिहास पाया गया है, जो उस क्षेत्र में काफ़ी दिन से गुंडागर्दी, रंगदारी और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर पुलिस के द्वारा SDPO सदर के नेतृत्व में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब स्थिति उस क्षेत्र में सामान्य है और लोगों में काफ़ी विश्वास पुलिस के प्रति पैदा हुआ है। विवाद हुआ है दो व्यक्तियों में, दो लड़कों में, जिसके बाद दूसरे पक्ष को मोटरसाइकिल आगे पीछे करने के क्रम में ढाला के पास, क्रॉसिंग के पास, वहाँ कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है, कुछ आपराधिक तत्वों को, जैसा आप, मैंने नाम भी बताया और आपराधिक इतिहास आपके साथ हम लोग साझा भी करेंगे, उसमें उन लोगों के द्वारा आके उनके साथ मारपीट की घटना की गई। उनको भी सुरक्षा मुहैया करा गया है। बिल्कुल, उस क्षेत्र में हम लोग गश्ती रख रहे हैं और उस क्षेत्र में हमारी नजर है, पुलिस पार्टी की वहाँ पे नियुक्ति की गई है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाए। सर, गोली की घटना भी जो आई सुनने को मिली थी, क्या सर उसमें क्या गोली चली है? हाँ, उसमें कुछ खोखा भी बरामद हुआ है और पुलिस के द्वारा जिसको जब्त कराया गया। इन अपराधियों के पास से कितने हथियार मिले? अभी हथियार इनके पास से बरामद नहीं हुआ है, ये जो हथियार आप देख रहे हैं दूसरे घटना से संबंधित है। तो अब हम लोग अब दूसरी घटना के बारे में बता रहे हैं।